solve the given inequality. Question number 8. Solve the given equation. Solve the given equation. X plus y less than equal to 9. Y greater than x. And third condition, x is greater than equal to 0. We have to solve this equation. This equation graphically. हमको क्या कहा जा रहा है? मुझे क्या कहा जा रहा है? Can we solve this equation graphically? Solve it. We have to find y of x y graphically. हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? Big draw graph for line 1, line 2 and line 3. Common region in these three lines. Will be the solution of the given equation. ठीक है? तो x plus y is line is a line. X plus y less than equal to 9 is the equation of line. ठीक है? तो to draw line, we need two points. ठीक है? तो to find two points on this line, put x is equal to 0. Then y is equal to 9. अगर इसमें x 0 रखेंगे तो 0 plus y is equal to 9. So y is 9. अब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो y तो x plus 0 is equal to 9. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी. ठीक है ना? ऐसे लेते हैं. अब दूसरी जो लाइन है y equal to x है. y equal to x ना. तो y equal to x है नो constant term. So it passes through origin. ये क्या होगा बताओ? Origin से जाएगा. ये कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा. और एक्स का कोफिशिएंट क्या? 1. एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो एक्स का कोफिशिएंट और मतलब इसका जो स्लोप है 1. तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? टैन थीटा 1 तो थीटा इक्वल टू 45 ना. इंक्लिनेशन इसका 1 हो जाएगा. ठीक है. एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट वाई वाई एक्सिस. एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट वाई एक्सिस ना. तो चलिए आप लाइन ड्रा करिए. तो सपोज एक्स O F dash is and Y O Y dash is Cartesian plane. X plus Y is equal to 9. Equation of 9. So it has two point. First point is 0, 9 and second point is 9, 0. To draw a line, we need two points. So two points are the point here 0, 9 or 9, 0. Na? Okay. So हम 0, 9 पहले रिप्रेजेंट करते हैं. तो 0, 9 कहाँ पर लाई करेगा? 0, 9 लाई है वाई एक्सिस. इसमें एक्सिस 0 है. जब एक्सिस 0 है तो कहाँ पर लाई करेगा? वाई एक्सिस पर लाई करेगा. तो मूव वाई एक्सिस अब हम दिए एक्स एक्सिस फ्रॉम दी ओरिजिन ना. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप पाए हमें करेगा. अब देखिए 9, 0 लाई है नेक्स्ट एक्सिस. तो मूव 9 minutes right up along x axis right up for them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 है ना. ठीक है. अब इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं? मिला देते हैं. दोनों पॉइंट को मिला दीजिए है ना. तो दोनों पॉइंट को मिलाइएगा. ठीक है. तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा है ना. यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? 9, 0. ये कौन सा पॉइंट है? 0, 9 ना. ये आपको लाइन में अब देखिए लेंथ देन इक्वल टू 9 पहले तो क्या करेंगे? लोअर हाफ रीजन सेट करेंगे और इंक्लूडिंग लाइन. अब देखिए इक्वल है इसलिए बॉर्डर आपने क्या किया? डार्क लाइन ड्रॉ किया. कैसी डार्क ड्रॉ किया? डार्क लाइन. डार्क लाइन में सॉल्यूशन है points which lie on the line ना. line का जो point है वो भी
अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, y ग्रेटर देन x, तो y ग्रेटर देन x जो है इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओवर द हाईएस्ट इंक्लिनेशन 45, तो 45 इंक्लिनेशन पर ये लाइन खींच देते, ये लाइन हो गई है ना, ये लाइन हो गई है। अब देखिए इक्वल भी है, नहीं इक्वल नहीं, अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, डॉट लाइन खींचेंगे, कैसे लाइन खींचेंगे, डॉट तो किसको बता रहे हैं, y ग्रेटर देन x को बता रहे हैं, ये लाइन है y कंटिन्यूस को बता रहा है, ये लाइन आपको क्या बता रहा है, x plus y less than equal to 9 ना, तो इसके बाद क्या है, x plus y less than 9, तो 9 से इसमें ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो कौन सा रीजन साइड होगा, इसके ऊपर वाला पार्ट ना, अपर अपर फेस, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा एक्सक्लूडिंग लाइन, ये ना y की वैल्यू गेट है, तो इसलिए इधर तो पॉइंट ले सेट करेंगे, और साथ में कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका ये रीजन होगा, y एक्सिस होगा ना, तो ये राइट राइट डायरेक्शन y एक्सिस के राइट इंक्लूडिंग y एक्सिस है, तो देखिए कॉमन रीजन कौन सा मिला होगा, ये रीजन जो है कॉमन है, देखिए आपका जो कॉमन रीजन है वो ये, ठीक है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस एंड गिवन लाइन x plus y equal to 9 एंड एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स लाई ऑन y इज ग्रेटर देन x, ये रीजन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, क्या हो जाए, सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन है। फिगर देखो।